हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं टेक्नो पोवा 3 का। और ये जो स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 7000 एमएएच का बड़ा सारा बैटरा देखने के लिए मिलता है। मतलब काफी मैसिव साइज की बैटरी यहां पर लगाई गई है। एंड उससे भी अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है एंड 33 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर आपको दिया गया है। सो ओवरऑल जो बैटरी मॉड्यूल दिया गया है वो तो काफी प्रॉमिसिंग यहां पर दिया गया है, लेकिन रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है, इसका जो एक्चुअल बैकअप है वो कितना निकल करके आता है, चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, सारी चीजें आज की वीडियो में अपन टेस्ट करेंगे। इतनी बड़ी बैटरी अगर दी गई है तो बैकअप से हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी काफी ज्यादा है और टेस्ट करने में भी मजा आएगा कि एक्चुअल में बैकअप कितना मिलता है। सबसे पहले इसको अपन 0 से लेकर 100% तक चार्ज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज होने में कितना टाइम लगता है एंड उसके बाद में इसको अपन डिस्चार्ज करने की कोशिश करेंगे। बिना किसी तरीके फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई साहब वीडियो को, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो स्मार्टफोन है अभी पूरी तरीके से डेड है, 0% बैटरी इसमें है। तो सबसे पहले अपन इसको इसके स्टॉक चार्जर से चार्ज करके देखते हैं एंड देखते हैं भाई 0 से 100% तक होने में इसको कितना टाइम लगता है। 2 hours later। हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो स्मार्टफोन है 100% तक फुल चार्ज हो चुका है एंड इस स्मार्टफोन को पूरी तरीके से चार्ज होने में लगे हैं लगभग 2 घंटे 14 मिनट के आसपास। एंड ब्रेकडाउन की अगर बात करें तो पहले 10 मिनट में ये स्मार्टफोन 10% चार्ज हुआ था, 30 मिनट्स में 30%, 60 मिनट्स में ये स्मार्टफोन चार्ज हुआ था 57% के आसपास, 90 मिनट्स में 83% चार्ज हुआ था एंड ओवरऑल 2 घंटे 14 मिनट इसको लगे हैं 100% तक फुल चार्ज होने में। नाउ अब अपन क्या करते हैं, इस फोन में 2 घंटे के लिए YouTube प्ले करते हैं एंड उसके बाद में देखते हैं कि इस फोन की जो बैटरी है वो कितनी डाउन होती है। हाँ जी दोस्तों, तो समय हो गया है 12:40 और टेक्नो पोवा 3 के अंदर जब हमने 2 घंटे का YouTube वीडियो प्ले किया था, जब हमने स्टार्ट किया था तब बज रहे थे 10:39, अभी हो रहे हैं 12:40, तकरीबन 2 घंटे का वीडियो विथ एड्स विथ फुल ब्राइटनेस प्ले हो चुका है। एंड बैटरी परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो इसमें अभी 84% के आसपास बैटरी बची है। मतलब 2 घंटे की मूवी वगैरह अगर आप देखते हैं तो 16% बैटरी इसकी डाउन होती है, विच इज नॉट बैड। सो यस, यहां पर 16% बैटरी 2 घंटे के वीडियो के बाद में डाउन हुई है। नाउ इसमें अपन 2 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे एंड उसके बाद में देखते हैं कि इसकी जो बैटरी है कितनी बचती है। हाँ जी, तो समय हो चुका है 14:41, मतलब 2:45 के आसपास बज गए हैं एंड 2 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें कंप्लीट हो चुकी है। एंड बैटरी परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो यहां पर बचा हुआ है 84% से बैटरी आ गया है 61% पर, मतलब तकरीबन 23% के आसपास बैटरी डाउन हुई है। और मेरे हिसाब से अगर 2 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग में 23% बैटरी डाउन हो रही है तो बैटरी बैकअप यहां पर आपको काफी अच्छा मिल रहा है। नाउ अब अपन क्या करते हैं, इसमें 1 घंटे के आसपास BGMI खेल के देखते हैं एंड 1 घंटे की गेमिंग के बाद में देखते हैं कि इसकी जो बैटरी है कितनी डाउन होती है। हाँ जी दोस्तों, तो समय हो गया है 4:16 और टेक्नो पोवा 3 के अंदर मैंने 1.5 घंटे नॉनस्टॉप BGMI प्ले किया है एंड फुल ब्राइटनेस पर 5 GHz बैंड के वाईफाई के साथ में कनेक्ट करके एंड यहां पर मैंने हाई सेटिंग में गेमिंग करके देखी है एंड गेमिंग तो अच्छी थी। बैटरी भी इसकी बहुत ज्यादा डाउन नहीं हुई है। यहां पर 1.5 घंटे की गेमिंग के बाद में अगर बैटरी परसेंटेज देखा जाए तो 39% के आसपास बैटरी अभी भी इस फोन में बची हुई है एंड जब हम गए थे तब इसमें 61% के आसपास बैटरी थी, तो तकरीबन 22% के आसपास बैटरी डाउन हुई है, विच इज नॉट बैड। 1.5 घंटे की गेमिंग में अगर बैटरी 22% आपकी डाउन हो रही है तो ये काफी अच्छा बैकअप आपको मिल रहा है। अब अपन क्या करते हैं, इस फोन को नॉर्मल डे टू डे जैसे यूज करते हैं, हल्के फुल्के वीडियोस प्ले कर लेते हैं, कुछ इमेजेस कैप्चर कर लेते हैं एंड नॉर्मल यूसेज में इसको आइडल पटक देते हैं, कुछ ऐसा करके देखते हैं। 6 बजे या 6:15 बजे मैं रिकॉर्ड करने वापस से बैठूंगा एंड देखूंगा भाई कि इस फोन की जो बैटरी है तब तक कितनी बचती है।
हाँ जी दोस्तों, तो शाम के 6:17 हो चुके हैं, 6:15 एंड इस फोन को हम सुबह 10:30 से यूज कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो सेगमेंट है ये इस वीडियो का लास्ट सेगमेंट होने वाला है एंड इस फोन को शाम को 4:13 से अभी तक मतलब लगभग 2 घंटे मैंने एज ए डेली ड्राइवर यूज किया है। डेली ड्राइवर इन द सेंस जैसा आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में फोन को यूज करते हैं, मतलब यूट्यूब पर एक आधा वीडियो प्ले कर लेना, फीड स्क्रॉल करना और भाई साहब फोन को आइडल पटक देना, थोड़े टाइम पे कुछ सेटिंग्स वगैरह में घुस जाना, नॉर्मल यूज करना फोन को, कुछ उस प्रकार से मैंने इस फोन को यूज किया है एंड 2 घंटे के नॉर्मल यूसेज के बाद में इस फोन में अभी 34% के आसपास बैटरी बची है। जब हम गए थे तो इस फोन में 39% के आसपास बैटरी थी, तो 5% बैटरी यहां पर डाउन हुई है 2 घंटे के यूसेज के बाद में, जो कि काफी इंप्रेसिव चीज है। मतलब बैटरी बैकअप यहां पर आपको काफी सॉलिड मिल रहा है एंड अभी और इस फोन को आप 4:39 नॉर्मल यूसेज पर यूज कर सकते हैं। सो बैटरी बैकअप इस फोन से आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। नाउ रिकॉल अगर करें तो सुबह 8:30 से हमने इस फोन के साथ में जोर जबरदस्ती करना चालू कर दिया था भाई। सबसे पहले हमने इस फोन को 0 से लेकर 100% तक चार्ज करा था और इस फोन को चार्ज होने में इसके स्टॉक चार्जर के साथ में 2:13 या 2:14 के आसपास लगे थे, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है। वैसे अगर आप ओवरनाइट चार्ज करेंगे तो दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन 2:13 33 वॉट के चार्जर के साथ में आई थिंक थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है। लेकिन बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो बैटरी बैकअप सॉलिड आपको दिया है इस फोन ने। सबसे पहले हमने 2 घंटे यूट्यूब प्ले किया था जब ये फोन 100% से 84% पर आ गया था, 2 घंटे यूट्यूब वीडियोस प्ले करने के बाद में। उसके बाद में 2 घंटे की हमने नॉन स्टॉप वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी, 84% से 61% पर ये फोन डाउन हुआ था, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा कंजप्शन ज्यादा हुआ था। उसके बाद में अगर बात करें तो हमने 1.5 घंटे के आसपास इसमें नॉन स्टॉप BGMI खेला था एंड नॉन स्टॉप BGMI खेलने के बाद में 61% से ये फोन 39% पर गया था। एंड नाउ लास्ट सेगमेंट में जो हमने नॉर्मल डे टू डे यूसेज में फोन को यूज करते हैं उसी प्रकार से यूज किया है एंड ये फोन अभी भी 34% बैटरी के साथ में अवेलेबल है एंड अभी भी आपको 4:40 के आसपास का बैकअप दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो टेक्नो पोवा 3 के साथ में आपको बैटरी बैकअप काफी सॉलिड मिलने वाला है। अब हमने तो बहुत ज्यादा इंटेंस यूज किया है इसको, 10:30 से 6 तक हमने नॉन स्टॉप अपने फोन को यूज किया है, बिना किसी ब्रेक के इस फोन को बैक टू बैक हम यूज करते गए हैं, तो भी अभी यहां पर आपको 4 घंटे का बैकअप मिलने वाला है। तो अगर नॉर्मल यूसेज की बात करेंगे तो नॉर्मल यूसेज में ये जो स्मार्टफोन है आपको 1.5 दिन तक का बैकअप निकाल करके दे सकता है। 1.5 दिन का बैकअप मिलना क्वाइट इंप्रेसिव चीज है, काफी सही आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है। तो हमारे हिसाब से बैटरी टेस्ट में टेक्नो पोवा 3 जो है काफी अच्छे नंबरों से पास होता है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा लगा इस फोन का बैटरी बैकअप एंड क्या आप हमें कोई राय देना चाहते हैं कि हम इस बैटरी ड्रेन टेस्ट को कैसे और बेटर बना सकते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।